दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के बारे में कि आप लोग ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में पैसा को कैसे ऐड कर सकते हैं, पैसा को आप लोग यहां पर कैसे डाल सकते हैं। अगर आप लोग भी ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में पैसा ऐड करना चाहते हैं, वो भी फोन पे से, पेटीएम से, बैंक अकाउंट से, जिससे पैसा ऐड करना चाहते हैं, तो सारा का सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। सारा का सारा तरीके से मैं आपको पैसा ऐड करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी ड्रीम इलेवन में पैसा ऐड करना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीटली फुल वॉच कीजिएगा। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप लोग ड्रीम इलेवन में पैसा को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन में दोस्तों पैसा को ऐड करने के लिए सिंपली क्या करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन होगा सिंपली मतलब कि जो भी आपका ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन होगा, ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसका दोस्तों आप लोग जैसे आप लोग ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे तो देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देन दोस्तों यहाँ पर आपको पैसा को ऐड करने के लिए या फिर पैसा को डालने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको एक जो आपका वॉलेट का ऑप्शन है बगल में, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो भी आपको ऊपर में जो भी करंट बैलेंस होगा, करंट बैलेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जितने रुपये यहाँ से आप लोग ऐड करना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे में देख सकते हैं दोस्तों जो भी आपका पेमेंट का जो ऑफर वगैरह होगा, ऑफर वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अगर ये सारे चीज़ अगर आप लोग पैसा को ऐड करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ऑफर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देन दोस्तों हम भी तो पैसा को ऐड करना है, सिंपली यहाँ से दोस्तों पैसा को ऐड करने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अमाउंट टू ऐड का ऑप्शन। तो सिंपली क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से आपको मतलब कि जो आपका पैसा हुआ है यहाँ पर आपको अब यहाँ पर आपको बोलेगा कितने रुपए यहाँ पर आप लोग ऐड करना चाहो, मतलब कि कितने रुपए यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ से दोस्तों जो आपका मिनिमम जो आपका पैसा जो ऐड होगा वो आपका 5 रुपये होगा। 5 रुपये से कम पैसा यहाँ पर आप लोग ऐड नहीं कर सकते, या फिर मतलब कि 5 रुपये से कम पैसा ऐड नहीं कर सकते हो, 5 रुपये से ज़्यादा यहाँ से आप लोग पैसा को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको 5 रुपये से हम आपको ऐड करके दिखाते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम 5 को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड दोस्तों यहाँ से आप 5 को जैसे सेलेक्ट करोगे मतलब कि आप जितने रुपये ऐड करना चाहते हो उतने रुपये यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसका दोस्तों नीचे में देखने को मिलेगा ऐड का ऑप्शन। तो सिंपली क्या करना है आपको ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इस पर दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको बोलेगा पेमेंट ऑप्शन, मतलब क्या किससे आप पैसा को ऐड करना चाहते हो। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको हमको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे UPI का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अमेजॉन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पेटीएम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एंड देख सकते हैं डेबिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग जिससे पैसा ऐड करना चाहते हो सिंपली यहाँ से आप लोग पैसा को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम चलते हैं फोन पे से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फोन पे से पैसा यहाँ से सिंपली ऐड करते हैं। तो पैसा को ऐड करने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन देखने को मिल रहा हो। ठीक है, मतलब कि जिससे आप लोग ऐड करना चाहोगे उसके बगल में यहाँ पर दोस्तों ऐड का ऑप्शन देखने को मिल रहा हो। तो सिंपली क्या करना है आपको ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इस पर दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक कर लोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा आपका फोन पे एप्लीकेशन में। मतलब जिससे आप लोग पैसा ऐड कर रहे हो वो वहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपको छेड़खानी नहीं करना, तो जो नहीं तो जो आपका पैसा है वो आपका पैसा फंस भी सकता, कुछ भी आपका पैसा हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड वेट करने के बाद जो आपका पेमेंट का एप्लीकेशन होगा वो वहाँ पर आप लोग सिंपली रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हम लोग अपना फोन पे में रिडायरेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर दोस्तों हम आपको बोल रहा है जो मेरा UPI पिन है, UPI पिन डालने के लिए बोल रहा था। तो सिंपली यहाँ से दोस्तों हम अपना UPI पिन को डाल लेते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा छिपा रहा हूँ UPI पिन। UPI पिन को डालने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली आपको यहाँ से आपको डन कर देना। डन करोगे तो देख सकते हैं जो आपका प्रोसेसिंग है, जो आपका पेमेंट है वो आपका पेंडिंग में चला जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा ट्रांजेक्शन मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा पैसा वो मेरा यहाँ पर डिपॉजिट हो चुका है। यहाँ पर आपको बैक नहीं करना है, ऑटोमेटिक दोस्तों आप लोग ड्रीम इलेवन में आ जाओगे। एंड यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा पेमेंट है वो मेरा सक्सेसफुल हो चुका है, एंड ऊपर से मेरा पैसा भी कट चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं वॉलेट वाले ऑप्शन में, आपको चेक करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा पैसा वो यहाँ पर मेरा ऐड हो चुका है। एंड करंट बैलेंस यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर 5.7 रुपये मेरा यहाँ पर हो चुका है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ पर पैसा को ऐड कर सकते हो, काफ़ी इजी प्रोसेस है। बाकी अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम वगैरह हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर किसी और अदर वे से अगर आप लोग पैसा ऐड करना चाहते हो तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे कि आप लोग ड्रीम इलेवन में पैसा को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते फिर से नए वीडियो में। चैनल में नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय।